हेलो एवरीवन, अब हम लोग एप्लीकेशन लेयर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ईमेल। ठीक है, ईमेल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे काफी बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट ज्यादातर जो आएंगे वो एमएसक्यू ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए फिर मैं आपको आप फरोजन की बुक से आपको सारी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये लाइंस मैंने सारी फरोजन की बुक से उठाई हैं। चाहता तो सीधा डायरेक्टली बुक से पढ़ा सकता था, बट फिर वही बात है कि ना, मतलब बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं होती बुक में, है ना। बट मैंने अच्छे से प्रेजेंटेशन बना रखी है, पॉइंट्स वाइज, बुलेट वाइज सब मैंने अच्छे से लिखा हुआ, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें और आपको नोट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ईमेल, देखो भाई, इन्होंने स्टार्टिंग में बस ये बताया कि जब शुरू हुआ था ना ईमेल, तो उस टाइम पे सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस, छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज किए जाते थे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं किए जाते थे। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इवॉल्व हुआ ईमेल का कंसेप्ट, तो बड़े बड़े ईमेल सेंड होने शुरू हुए, उसमें फिर वीडियोस, ऑडियो सब कुछ जाना शुरू हो गया था। ठीक है, तो यही इन्होंने लिखा है, देखो, एट द बिगनिंग ऑफ इंटरनेट एरा द मैसेजेस सेंड बाय ईमेल वर शॉर्ट एंड कंसिडर्ड ऑफ टेक्स्ट ओनली, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज जाते थे। टुडे ईमेल इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, इट अलाउज मैसेजेस टू इंक्लूड टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एंड इट ऑल्सो अलाउज वन मैसेज टू बी सेंड टू वन और मोर रिसिपियंट्स। ठीक है, अब एक से एक या एक से ज्यादा लोगों को भी आप ईमेल कर सकते हैं, आई थिंक बेसिक बात है, सबको पता होगी। चलो ठीक है जी, तो अब ईमेल का आर्किटेक्चर हमारे को समझना है, मतलब एग्जैक्टली कैसे ईमेल सेंड होता है किसी मशीन से दूसरे मशीन पे, एंड सो ऑन। मतलब एक जो सेंडर है वो कैसे सेंड करता है, जो रिसीवर है वो कैसे रिसीव करता है, एंड सो ऑन, वो सब हम लोग अब समझेंगे। सिंपल बात कर दो, वर्किंग ऑफ ईमेल अब हमारे को समझनी है। तो उसके लिए आपकी जो फरोजन की बुक है उसने फोर सिनेरियोज बनाए हैं, तो मैं आपको ये फोर सिनेरियोज आराम से समझाऊंगा। ठीक है, पहले हम फ्री फ्री यू कैन से फ्री वे से आराम से समझ लेंगे चीजों को, और फिर मैं पॉइंट्स पढ़ूंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, टू एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ ईमेल वी गिव फोर सिनेरियोस, वी बिगिन विद सिंपलेस्ट सिचुएशन एंड ऐड कॉम्प्लेक्सिटी एज वी प्रोसीड। ठीक है, पहले बिल्कुल सिंपलेस्ट सिनेरियो कंसिडर करेंगे, फिर धीरे 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 उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है जी, द फोर्थ सिनेरियो इज द मोस्ट कॉमन इन द एक्सचेंज ऑफ ईमेल। ठीक है, जो अब आखिरी में मैं आपको फोर्थ सिनेरियो दिखाऊंगा वो सबसे कॉमन है। ठीक है, तो समझ लेना, जो फर्स्ट है वो सबसे रेयर है, बहुत कम चांसेस है। सेकंड थोड़ा सा और वो कॉमन है, थर्ड और कॉमन है, और सबसे जो कॉमन होगा दैट इज द फोर्थ सिनेरियो, और ऑब्वियसली फोर्थ वाला सबसे कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट सिनेरियो को देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इन पॉइंट्स को भी आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं सीधा इमेज पे आता हूँ, ठीक है, उससे आपको समझाऊंगा। एक बार सब चीजों को नोट डाउन कर लो भाई, सब हट जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन वगैरह सब हट जाएगी, नोट डाउन कर लो, कर लिया। ठीक है जी, तो फर्स्ट सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सीधा फिगर पे जंप कर रहा हूँ। ये देखो भाई, देखो फर्स्ट सिनेरियो क्या कह रहा है। एक एलिस नाम का आदमी है और एक बॉब नाम का आदमी है ना। एलिस बॉब को ईमेल करना चाहता है। तो पहले सिनेरियो में क्या इमेजिन किया गया, ये दोनों के दोनों जो यू कैन से एलिस और बॉब जो आदमी है, मतलब जैसे ये एलिस नाम का आदमी यहाँ बैठा है अपने कंप्यूटर पे, और बॉब नाम का आदमी अपने कंप्यूटर पे बैठा है। ठीक है, तो ये जो है, ये दोनों, इनके जो कंप्यूटर्स हैं ये मेल सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, जो भी ईमेल वगैरह हैंडल करता है उस सिस्टम से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते। आपने अगर थोड़ा बहुत यूनिक्स के बारे में पढ़ा हो, तो हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है ना, और उससे अटैच मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं, और टर्मिनल्स पे लोग बैठ करके अपना काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आदमी बैठ के अपना काम करेगा, एंड सो ऑन। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो बस वही समझ लो आप, ये एक मेन फ्रेम ही समझ लो, यूनिक्स वाला। ठीक है, इस टाइप से रफली मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो जो मेल सर्वर है, या यू कैन से जो यूनिक्स का सिस्टम का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यूनिक्स सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटर, एक हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है और मल्टीपल टर्मिनल्स हैं उससे अटैच। इन इन टर्मिनल्स के पास समझ लो मॉनिटर और कीबोर्ड, ऐसे समझ लो, और यहाँ पे बैठ के आदमी अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लो जो सेंट्रलाइज मशीन है, ये एक यूनिक्स का सिस्टम है, और आप इसको मेल सर्वर की तरह समझ सकते हैं। तो हर एक कंप्यूटर, हर एक यूजर का एक अकाउंट होता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो यूजर नेम पासवर्ड देगा हर एक आदमी को, या जो भी यूजर होगा उसको, और यूजर फिर वो लॉगिन नेम पासवर्ड डाल करके लॉग इन करके अपना काम करता है। तो ठीक है, तो इसी स्टाइल से आप लोग यहाँ पे समझ लो कि हमारे पास एक मेल सर्वर है। ठीक है, उससे उसी से ही दोनों के दोनों कंप्यूटर्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं। चांसेस बहुत कम है, जैसे आप गूगल का जो जीमेल है ना, जीमेल आप अकाउंट यूज करते हो, तो आप समझ लो कि गूगल के सर्वर के साथ आप अटैच्ड हो, डायरेक्टली आप उससे कनेक्टेड हो, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। वो सिनेरियो तो बहुत रेयर है, बट हम मान रहे हैं कि गूगल के सर्वर के साथ ही ये दोनों कंप्यूटर डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि, तो अगर इसको जो एलिस नाम का आदमी है, इसको मैसेज करना है बॉब नाम के आदमी को, ईमेल करना है, तो इनको एक स्पेशल प्रोग्राम चाहिए होगा जिसको हम बोलते हैं यूजर एजेंट। यूजर एजेंट के बारे में पूरा डिटेल मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी के लिए आप समझ लो कि जो एलिस नाम का आदमी है, इसको ईमेल लिखना तो है ना भाई, है ना, कोई जगह तो हो जहां पे ये ईमेल लिखेगा, एंड सो ऑन। तो
कोई विंडो तो खुले जहाँ पे लिखा जाएगा, तो वो सब विंडो वगैरह यूजर एजेंट आपको प्रोवाइड करता है। जैसे आप यूजर इंटरफेस देखते हैं जीमेल का, तो वो सब यूजर एजेंट की कहानी है, समझ गए होगे आप लोग। तो यूजर एजेंट जो एलिस नाम का आदमी है उसको ईमेल क्रिएट करने का एक तरीका दे रहा है। तो इस तरीके से यू कैन से एलिस वो ईमेल अपना क्रिएट कर लेगा, जो भी उसको लिखना था, जो भी कुछ करना था, उसने सब कुछ कर लिया, ठीक है। और इसी यूजर एजेंट, यही यूजर एजेंट क्या करेगा, सिस्टम में जाकर के स्टोर कर देगा इस ईमेल को, ठीक है। तो मतलब एलिस नाम के आदमी जो जो भी कंप्यूटर था, इस कंप्यूटर से यूजर एजेंट जो भी ईमेल बनाया गया उसको कॉपी कर देगा मेल सर्वर पे, ठीक है, जिसको आप सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। और मेल सर्वर पे क्या होगा, मेल बॉक्स होंगे, ठीक है, हर एक यूजर का एक एक मेल बॉक्स होगा। तो मेल बॉक्स क्या होता है भाई, मेल बॉक्स है एक फाइल, समझ लो एक सिंपल फाइल है ना। और उस फाइल की क्या खास बात है, उस पे राइट तो कोई भी आके कर सकता है, राइट तो कोई भी कर देगा, लेकिन रीड सिर्फ ऑनर कर सकता है, समझ पा रहे हो। तो राइट कोई भी आके कर ले, लेकिन रीड सिर्फ ऑनर कर सकता है। तो एलिस क्या, तो एलिस का भी एक मेल बॉक्स होगा, बॉब का भी एक मेल बॉक्स होगा, समझ लो एक स्पेशल फाइल है ना, सिस्टम पे हमने मेंटेन करके रखी है, ये एलिस के लिए है और ये बॉब के लिए है, ठीक है जी। तो यूजर एजेंट क्या करेगा, जो एलिस ने ईमेल लिखा है वो बॉब के लिए था, तो ये यूजर एजेंट भी जो बॉब का मेल बॉक्स था उसमें जाकर के ये ईमेल को स्टोर कर देगा, या इस फाइल में जाके ये राइट कर देगा, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा रफली मैं बोल रहा हूँ, बहुत डीप में जा रहा हूँ, इतना जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लो यूजर एजेंट ही है जो सारा कुछ कर रहा है, बस सिंपल बात। यूजर एजेंट इज द असिस्टेंट ऑफ एलिस, और एलिस लिखता कहाँ पे है, यूजर एजेंट आपको स्पेस देगा वहां पे आप लिखोगे। उसके बाद फिर ये ईमेल जो आपने लिखा है वो बॉब के मेल बॉक्स में स्टोर होना चाहिए ना, तो ये स्टोरेज का काम भी यूजर एजेंट ही करेगा, बॉब के मेल बॉक्स में जाके स्टोर कर देगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, बॉब के मेल बॉक्स में जो कि एक फाइल है उसमें कोई भी आके राइट कर सकता है, तो एलिस ने आके राइट कर दिया, लेकिन रीड करने की कैपेबिलिटी सिर्फ बॉब के पास होगी, सिर्फ रीड परमिशन बॉब के पास और किसी के पास नहीं है। तो बॉब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब इसको टाइम लगेगा ये जो ईमेल आया था इसके पास वो रीड कर पाएगा। तो रीड करने के लिए भी यही यूजर एजेंट का ही यूज होता है, ठीक है। तो यूजर एजेंट ही अभी सारा कुछ कर रहा है ना, यही भगवान है, सारा कुछ यही कर रहा है, एलिस की हेल्प कर रहा है क्रिएट करने में, उसको सेंड करने में, मतलब एलिस की हेल्प कर रहा है यूजर एजेंट ईमेल को क्रिएट करने में, और इसी ईमेल को बॉब के मेल बॉक्स में राइट करने का काम भी यूजर एजेंट ही कर रहा है, और यूजर एजेंट बॉब की भी हेल्प कर रहा है अपने मेल बॉक्स को रीड करने में। तो मेल बॉक्स में राइट करना, रीड करना, सारा काम यूजर एजेंट की हेल्प से हम लोग कर पा रहे हैं। और ये सिनेरियो बहुत रेयर है, ये कब होगा, जब आप जीमेल के सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। चलो ठीक है जी, अब मैं लाइन ही पढ़ूंगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब देखो नोट डाउन कर लूंगी, कर लिया नोट डाउन, ठीक है। अब मैं इस चीज को हटा रहा हूँ और आपके सामने अब लाइनें पढ़ूंगा, देखो भी फटाफट से शुरू हो जाओ। फर्स्ट सिनेरियो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सिनेरियो क्या है, इन द फर्स्ट सिनेरियो द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द ईमेल आर यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम, कुछ भी हो सकते हैं वो, ओके, ऑन द सेम सिस्टम, ये ध्यान रखना है, सेम सिस्टम से ये कनेक्टेड है, तो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ शेयर्ड सिस्टम, जिसको आप मेल सर्वर कह सकते हो, जो भी आपको कहना है, ठीक है जी। द एडमिनिस्ट्रेटर हैज क्रिएटेड वन मेल बॉक्स फॉर ईच यूजर where the received messages are stored, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा उसने एक मेल बॉक्स बना दिया होगा हर एक यूजर के लिए, जहाँ पे वो मैसेज को स्टोर करते होंगे, ठीक है जी। तो मतलब जो भी ईमेल आएगा वो उस मेल बॉक्स में स्टोर होगा, ठीक है, जैसे आपके घर के बाहर मेल बॉक्स होता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। सबका अपना अपना होगा, मतलब कोई भी आके के उसके अंदर लेटर तो डाल देता है, लेकिन खोलने की कैपेसिटी सिर्फ आपके पास है, ताला आपने लगा रखा होगा, तो आप ताला खोलोगे और अपने सारे लेटर्स निकाल लोगे। तो वही कहानी यहाँ पे है, कोई भी आकर के राइट कर सकता है मेल बॉक्स के अंदर, पर रीड सिर्फ आप खुद कर सकते हो, मतलब जो ऑनर होगा सिर्फ वही रीड करेगा। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोग जितने भी ईमेल करेंगे या जो भी लोग, यू कैन से आपके घर में क्या होता है, मेल बॉक्स है तो लोग आते हैं और अपना चिट्ठी डाल डाल के जाते रहते हैं, पर जब आपको टाइम लगता है आप ताला खोलते हो और मेल बॉक्स खोलते हो और उसमें से जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारी इकट्ठी निकाल लेते हो। तो वही कहानी यहाँ पे हो रही है एकदम, ठीक है। तो जो एलिस था उसने राइट कर दिया है बॉब के मेल बॉक्स में, ठीक है। तो ये सब काम किसकी हेल्प से होता है, यूजर एजेंट, बार बार समझा रहा हूँ, प्लीज याद रखना चीजों को, ठीक है जी। एक बार दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। द एडमिनिस्ट्रेटर हैज क्रिएटेड वन मेल बॉक्स फॉर ईच यूजर, मेल बॉक्स का क्या फायदा होगा भाई, अब आराम से मतलब एक जगह तो हो ना जहाँ पे लेटर्स आएंगे, तो वो मेल बॉक्स है, ठीक है। फॉर ईच यूजर वेयर द रिसीव्ड मैसेजेस आर स्टोर्ड, अ मेल बॉक्स इज पार्ट ऑफ लोकल हार्ड ड्राइव, अ स्पेशल फाइल विद परमिशन रेस्ट्रिक्शंस। आई थिंक समझ गए होगे क्या परमिशन रेस्ट्रिक्शन है, वो मैंने आपको बता दिया था, राइट कोई भी आके करेगा, रीड सिर्फ ऑनर करेगा, ठीक है। और ये मेल बॉक्स क्या है भाई, ये लोकल हार्ड ड्राइव में एक स्पेशल फाइल है, आप इस तरह से सोच सकते हो, ठीक है जी। ओनली द ओनर ऑफ द मेल बॉक्स हैज एक्सेस टू इट, मतलब सिर्फ वही रीड कर सकता है। व्हेन एलिस अ यूजर नीड्स टू सेंड अ मैसेज टू बॉब, अनदर यूजर एलिस
रन्स अ यूजर एजेंट, ठीक है। तो एलिस ने मतलब एलिस व्हेन एलिस अ यूजर नीड्स टू सेंड अ मैसेज टू बॉब, एलिस एक यूजर है जो कि मैसेज सेंड करना चाहता है बॉब को, अनदर यूजर, बॉब एक कोई और यूजर है। तो एलिस रन्स अ यूजर एजेंट प्रोग्राम टू प्रिपेयर द मैसेज एंड यूजर एजेंट इटसेल्फ विल स्टोर इट इन मेल बॉक्स, इन बॉब्स मेल बॉक्स, ठीक ठीक है। तो यूजर एजेंट ने ही, जो एलिस का यूजर एजेंट था, उसी ने ही बॉब के मेल बॉक्स में स्टोर कर दिया इधर, ठीक है। प्लीज, ये इंग्लिश विंग्लिश तो पढ़नी जानते हो भाई, सिर्फ वही बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप चीजें और क्रिस्टल क्लियर कर सके, ठीक है जी। तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार समझाता हूँ, एमएसक्यू आएंगे, एप्लीकेशन लेयर से एमएसक्यू आएंगे, है ना। फिर आप लोग फंस ना जाओ, इसलिए मैं आपको चीजें ढंग से क्लियर करता जा रहा हूँ, ठीक है जी। द मैसेज हैज अ सेंडर एंड रिसिपियंट मेल बॉक्स एड्रेस। ऑब्वियसली बात है भाई, जो भी आप ईमेल करोगे या जो भी मैसेज आप भेजोगे, उसमें सेंडर और रिसीवर मेल बॉक्स के एड्रेसेस जरूर होंगे, ठीक है। तो एड्रेस वाली बात मतलब वही नेम्स ऑफ द फाइल, ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे, क्योंकि मेल बॉक्स की एक फाइल ही तो है, उसका फाइल का नाम हम दे रहे हैं, सेंडर का भी और रिसीवर का भी, ठीक है जी। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, नोट डाउन कर लो इसको, कर लिया, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट, हाँ जी, तो एक बार मैं ये हटा देता हूँ, ओके जी। तो नाउ बॉब कैन रिट्रीव एंड रीड द कंटेंट ऑफ दिस ऑफ हिज मेल बॉक्स एट हिज कन्वीनियंस, मैंने आपको बताया था, जब इसका मन करेगा पढ़ लेगा यूजिंग अ यूजर एजेंट। तो इस यूजर एजेंट की हेल्प से बॉब पढ़ लेता है, जो भी इसके पास में मेल बॉक्स में फाइल आती फाइल होती है, उनको ये रीड कर सकता है, ठीक है जी। फिगर बिलो शोज द कंसेप्ट, ये आपने समझ में आ गया होगा, ओके जी। नोट में क्या लिखा है, व्हेन अ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन द सेम सिस्टम, वी नीड ओनली टू यूजर एजेंट्स। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप जीमेल के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो पर आपको एक दूसरे को ईमेल करना है, तो सिर्फ एक पेयर ऑफ यूजर एजेंट से ही आपका काम करता हूँ। एक पेयर मतलब दो यूजर एजेंट चाहिए, है ना, एक सेंडर साइड और एक रिसीवर साइड। सेंडर साइड पे यूजर एजेंट क्या करेगा, मैसेज को क्रिएट करने के काम आएगा और मेल बॉक्स में स्टोर करने के काम आएगा। और रिसीवर साइड पे यूजर एजेंट किस लिए काम आएगा भाई, वहां से मैसेज को रिट्रीव करके आपको शो करने के काम आएगा। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, ठीक है जी। कर रहा हूं मैं जंप, ओके जी। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट सिनेरियो में हमने क्या किया, हमने दोनों को साथ साथ अटैच कर दिया, बट जनरली ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, है ना। तो थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स करते हैं सिनेरियो को। तो अब मैं क्या कहूंगा, आपका एलिस जो है वो एक मेल सर्वर से कनेक्टेड है, मैं मान लो जीमेल का सर्वर, ठीक है, और जो दूसरा है जो बॉब है वो किसी और सर्वर से कनेक्टेड है, मान लो याहू के सर्वर के साथ, समझ पा रहे हो। अभी तो हमने क्या सिनेरियो बनाया, दोनों के दोनों गूगल के सर्वर से कनेक्टेड हैं और दोनों जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ईमेल कर रहे हैं, पहले तो हमने ये सिनेरियो करा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जीमेल वाला आदमी जीमेल वाले आदमी को ही मैसेज करेगा, नहीं, जीमेल वाला याहू को भी कर सकता है, रेडिफ मेल को भी कर सकता है, एंड सो ऑन। तो हम दूसरा सिनेरियो बना रहे हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन अभी भी यही है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप जीमेल के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो और जो बॉब है वो याहू के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेट मी जंप टू द स्लाइड, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये देखो भाई, ये हमने बना रखा है, ठीक है जी। तो हमने ये समझ लो गूगल का सर्वर और ये समझ लो याहू का सर्वर, और आप एलिस जो है वो गूगल से कनेक्टेड है और जो बॉब है वो याहू के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब देखो क्या होगा, अब अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे चलेंगे। पहले तो सिंपल बात करेंगे, एलिस है, उसको ईमेल लिखना है, लिखने के लिए यूजर एजेंट तो चाहिए होगा, बिना यूजर एजेंट के वो लिखेगा कैसे भाई, लिख लिया आपने। और जो इसका जो मेल सर्वर था, जो भी इसका सिस्टम था, उस पे इसने मैसेज भेज दिया, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ, जो एलिस नाम का बंदा था इसने ईमेल लिखने के लिए यूजर एजेंट का यूज करा और इस यूजर एजेंट की हेल्प से ही उसने अपने मेल सर्वर पे मैसेज भी भेज दिया। अब मेल सर्वर पे तो बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे, तो मेल सर्वर क्या करता होगा, एक क्यू मेंटेन करता होगा, ठीक है। इस क्यू में मैसेजेस को लगाता जाता होगा, ठीक है, और क्या करता होगा धीरे धीरे। अब एक बात ये समझो, देखो अब ये याहू, ये गूगल का सर्वर है और ये याहू का सर्वर है, ये दोनों अलग अलग जगह पे होंगे, तो ईमेल जो आप भेज रहे हो वो इंटरनेट के थ्रू हो जाएगा ना, इधर से उधर ट्रांसफर होगा। तो उसके लिए फिर यूजर एजेंट का यूज नहीं होता, उसके लिए फिर हमारे पास एक नया एजेंट चाहिए, जिसको हम बोलेंगे एमटीए और मैसेज ट्रांसफर एजेंट, ठीक है, एमटीए और मैसेज ट्रांसफर एजेंट। तो एमटीए क्या करता है भाई, हमारे पास वो मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो होगा वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा, तो एमटीए क्लाइंट होगा और एक एमटीए सर्वर होगा, ठीक है जी। तो एमटीए क्लाइंट क्या करेगा, ये जो क्यू बना हुआ था मैसेज का, ऐसे समझ लो जो मेल सर्वर है ना भाई, वो जो भी बहुत सारे ईमेल्स आ रहे होंगे तो उनका एक क्यू बना के रखता है, क्यू में से एक एक करके ईमेल निकालता जाता है,
और देख लेते हैं अभी कौन कौन रिसीवर है, तो उसके हिसाब से वो एमटी क्लाइंट जो होगा वो पहले रिक्वेस्ट करेगा एमटी सर्वर से कनेक्शन बनाने के लिए। तो यहीं से समझ जाना भाई टीसीपी यूज होने वाला है, क्योंकि कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी वहां से, फिर एक्नोलेजमेंट आएगी, तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अगर कनेक्शन बन गया तो यहाँ से क्लाइंट से सर्वर पे जो भी ईमेल होंगे वो सेंड हो जाएंगे फिर वाया इंटरनेट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हम लोग नॉर्मल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो समझ में आ गया। तो एलिस एलिस ने क्या किया, यूजर एजेंट की हेल्प से अपना मैसेज बनाया, मैसेज बना करके मेल सर्वर पे मैसेज ड्रॉप कर दिया। अब मेल सर्वर के पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो उसने क्यू बना के रखा हुआ था, एक एक करके क्यू में से मैसेज को निकालता है और एमटीए क्लाइंट की हेल्प से वो एमटीए सर्वर पे ईमेल भेजता चला जाता है। अब एमटीए सर्वर क्या करेगा, वो देख लेगा, अच्छा ठीक है जी बॉब का मैसेज है, तो वो बॉब के यू कैन से जो मेल बॉक्स में स्टोर कर देगा। और जब बॉब के मेल बॉक्स में आ गया तो फिर आपको वही पुराना सिनेरियो बना लेते हैं, मेल बॉक्स में आ गया तो वहां से रीड किसकी हेल्प से करोगे, यूजर एजेंट की हेल्प से करोगे। तो बॉब क्या करेगा, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने मेल बॉक्स को रीड करने के लिए यूजर एजेंट की हेल्प लेगा और वो मैसेजेस पढ़ लेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, ये है जी सेकंड सिनेरियो। तो सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया है, जो अलग अलग सिस्टम है, मतलब जैसे ये एक जीमेल है और एक याहू है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेल सर्वर है वो अलग अलग है, ठीक है, बट अभी जो कंप्यूटर्स हैं वो इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड थे। तो क्या हुआ भाई, इसने मैसेज किया अपने अपने मेल सर्वर पे, मेल सर्वर ने एमटीए क्लाइंट प्रोग्राम चलाया जो कि एक एक करके यहाँ से ईमेल को उठाता जाता है और इंटरनेट के थ्रू एमटीए सर्वर के पास भेजता चला जाता है। और एमटीए सर्वर क्या करता है, या मेल बॉक्स में स्टोर करा देता है, बॉब के मेल बॉक्स में स्टोर करा देगा और बॉब का मेल बॉब अपने मेल बॉक्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूजर एजेंट की हेल्प से रीड कर लेगा। तो अगर ये सिनेरियो हुआ तो आपको वन पेयर ऑफ यूजर एजेंट चाहिए, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, वी नीड वन पेयर ऑफ यूजर एजेंट और वन पेयर ऑफ एमटीए, ठीक है, एमटीए क्लाइंट एंड एमटीए सर्वर। तो एमटीए सर्वर वही बात है रिसीव कर रहा है, एमटीए क्लाइंट सेंड कर रहा है, तो एमटीए क्लाइंट पुश पुश कर रहा है, मैं ईमेल्स को पुश कर रहा है और एमटीए सर्वर उनको रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो क्लाइंट जनरली पुश करेगा, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी धीरे धीरे मैं राज खोलूंगा ईमेल के, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ईमेल पढ़ा रहे तो एसएमटीपी पढ़ाओ ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सोन, अरे वो सब भी बताऊंगा, दोनों शांति करो, अभी पहले चीजों को समझ लो, ठीक है, धीरे धीरे मैं राज खोलूंगा आपके आगे, एमटीए क्या है ना, यूजर एजेंट क्या है एंड सोन, सब मैं आपको धीरे धीरे राज खोलूंगा, अभी के लिए आप नोट डाउन करो, बहुत अच्छे बहुत ब्यूटीफुल वे से पढ़ाया फरोजन की किताब ने, कर लिया नोट डाउन, चलो अब मैं लाइनें पढ़ूंगा आपके सामने फटाफट, नोट डाउन हो गया ना, ठीक है, अब चलो जी फटाफट से हम लोग लाइनें पढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखो भाई सेकंड सिनेरियो, द सेकंड सिनेरियो द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द ईमेल आर यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन टू डिफरेंट सिस्टम्स, पहले हमने क्या माना था सेम सिस्टम पे है लेकिन अब डिफरेंट सिस्टम पे है, सो द मैसेज नीड टू बी सेंड ओवर द इंटरनेट, हियर वी नीड यूजर एजेंट एंड मैसेज ट्रांसफर एजेंट एज शोन इन द फिगर बिलो, वो आपको मैंने फिगर दिखा दी है ना, बार बार फिगर पे जाऊंगा टाइम बर्बाद होगा, चलो यार देख लो एक मिनट, है ना, एमटीए और ये यूजर एजेंट, ठीक है, चलो आओ आओ वापस। हाँ जी ओके, एलिस नीड्स टू यूज अ यूजर एजेंट प्रोग्राम टू सेंड मैसेज टू द सिस्टम एट हर ओन साइट, खुद की साइट पे मैसेज करने के लिए वो यूजर एजेंट का यूज कर रहा है, वो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है जी, द कंप्यूटर समटाइम्स कॉल द मेल सर्वर एट हर साइट मैनेजेस ऑल द मैसेजेस रिसीव एंड मेक्स अ मेल क्यू टू स्टोर मैसेजेस वेटिंग टू बी सेंड, मैंने आपको बताया था मेल क्यू बन जाता है, MTA client keep on checking the queue and when there is a message then it will try to establish connection with MTA server and when connection is established then it pick the messages from the queue and send them over internet to MTA server which is running at the system from which Bob is connected. I think समझ गए होंगे, connection connection वाली बात आ रही है ना, तो समझ जाना यहाँ पे TCP use होगा, UDP से बात नहीं बनने वाली क्योंकि ईमेल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन सबको सेंड करना है, ठीक है जी ओके जी आगे पढ़ो भाई, एमटीए सर, ये प्लीज इंग्लिश है, प्लीज आप अपने आप कोशिश करो समझने की, बार बार बोलूंगा बहुत टाइम बाद होगा, मैंने अभी आपको सारा एक्सप्लेन किया भी था, ठीक है जी, एमटीए सर्वर आफ्टर रिसीविंग मैसेजेस विल स्टोर देम ऑन द मेल बॉक्स ऑफ बॉब, वो मेल बॉक्स में स्टोर करा देगा, ओके, लाइक मोस्ट क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम्स ऑन द इंटरनेट द सर्वर नीड्स टू रन ऑल द टाइम बिकॉज इट डज नॉट नो व्हेन द क्लाइंट विल मेक अ कनेक्शन, जैसे आपको पता ही है सर्वर परमानेंटली ऑन रहना चाहिए ना, क्लाइंट तो जब बंद करेगा चल पड़ेगा लेकिन सर्वर को परमानेंटली ऑन रहना चाहिए, ठीक है जी, तो बॉब आल्सो नीड अ यूजर एजेंट प्रोग्राम टू रिट्रीव मैसेजेस स्टोर्ड इन द मेल बॉक्स ऑफ द सिस्टम एट हिज साइट, ठीक है, तो वही बात है, बॉब को भी एक यूजर एजेंट चाहिए होगा ताकि वो मैसेज को रिट्रीव कर सके या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको रीड कर सके, ठीक है ना, प्लीज ध्यान रखना है सर्वर हमेशा ऑन रहता है, आपको पता भी है इसमें मैं क्या बोलूं, है ना, क्योंकि पता नहीं ना सर्वर के पास क्लाइंट की कब रिक्वेस्ट आ जाएगी कनेक्शन बनाने के, तो सर्वर को हमेशा ऑन रखना पड़ता है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे एमटीए सर्वर चल रहा है, अच्छा एक बार इसको नोट डाउन कर लो भाई, ये सारे लाइनें वाने हट जाएंगे, प्लीज नोट डाउन कर लो, कर लिया, ठीक है जी, अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एमटीए सर्वर चल रहा है ना,
तो ये वाला मेल सर्वर परमानेंटली ऑन रहेगा। ऑब्वियस बात है, ये वाला मेल सर्वर भी परमानेंटली ऑन ही रहेगा क्योंकि सर्वर है भाई, है ना, बहुत सारे लोग इस पे ईमेल कर रहे होंगे एंड सो ऑन। बट जनरली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस पे एमटीए सर्वर रन हो रहा ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे ये जो ये वाला जो पॉइंट था वो ये आपको कह रहा था, है ना। यहाँ पे ये जो था कि लाइक, है ना, लाइक मोस्ट ऑफ द क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम ऑन द इंटरनेट द सर्वर नीड्स टू रन ऑल द टाइम बिकॉज इट डज नॉट नो वेन द क्लाइंट विल आस्क फॉर अ कनेक्शन। आई थिंक समझ गए होगा आप लोग, ठीक है, मैं इतना टाइम पास नहीं कर रहा, आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो भाई नोट डाउन कर लो, सबको कर लिया, ठीक है जी। ये भी अपना इमेज वगैरह बना ली होगी आपने। चलो भाई अब आगे देखते हैं। नोट व्हेन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द ईमेल आर ऑन डिफरेंट सिस्टम वी नीड टू यूजर एजेंट एंड अ पेयर ऑफ एमटीए, ठीक है। तो वही बात है, टू यूजर एजेंट की बजाय आप बोल सकते हैं पेयर ऑफ यूए, पेयर ऑफ यूजर एजेंट एंड पेयर ऑफ एमटीएस, ठीक है। एमटीए में पेयर मतलब क्लाइंट एंड सर्वर दोनों, ठीक है जी। अब हमारे थर्ड सिनेरियो पे, अब और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा। अब कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मैं क्या करूंगा, अभी तक मैं क्या इमेजिन करके चलता था कि आप गूगल के सर्वर से कनेक्टेड हो और दूसरा बंदा याहू के सर्वर से कनेक्टेड है। सबसे पहले सिनेरियो क्या किया था, गूगल के सर्वर से आप दोनों कनेक्टेड हो और आप एक दूसरे को मेल करो, सबसे सिंपलेस्ट सिनेरियो, दैट वाज फर्स्ट सिनेरियो, चांसेस ना के बराबर। सेकंड, आप गूगल के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, दूसरा बंदा याहू के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके भी चांसेस ना के बराबर। अब तीसरा सिनेरियो में मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो सेंडर है ना भाई वो थोड़ी सी दूर है, ठीक है, मतलब गूगल के सर्वर, आप जीमेल यूज कर रहे हो और आप सेंडर हो तो आप थोड़ा सा दूर हो, वो सर्वर से दूर हो, ऑब्वियस ही बात है, चलता भी ऐसे ही है, आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, गूगल का सर्वर पता नहीं कहाँ होगा। तो यही हम सिनेरियो थर्ड बना रहे हैं। थर्ड सिनेरियो में हम क्या कह रहे हैं, जो सेंडर है वो दूर है, मतलब वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है आपके मेल सर्वर के साथ, बट जो रिसीवर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेल सर्वर के साथ। और फोर्थ सिनेरियो समझ गए होगे, जो कि जनरली चलता होगा, आप भी दूर हो और रिसीवर भी दूर है मेल सर्वर से, ठीक है, मतलब आप गूगल से सर्वर से बहुत दूर हो और जो रिसीवर याहू वाला है वो भी सर्वर से बहुत दूर बैठा है। तो ये फोर्थ सिनेरियो होगा, उस पर हम आएंगे क्या, अभी थर्ड सिनेरियो की बात कर रहे हैं। मतलब आप जो सेंडर है वो दूर है लेकिन जो रिसीवर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब आप गूगल के सर्वर से बहुत दूर बैठे हो लेकिन जो रिसीवर है, जो याहू का ईमेल यूज कर रहा है जो रिसीवर है वो याहू के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अभी थर्ड सिनेरियो, ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लो अपने हिसाब से, ठीक है, ये सब मैं हटा रहा हूँ और अब मैं आ जाऊंगा पहले फिगर समझाता हूँ थर्ड सिनेरियो की, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है, वर्डिंग सभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो भाई क्या कह रहा है ये, तो देखो भाई ये हमारा मेल सर्वर था, ठीक है, और जो एलिस है वो देखो भाई वो काफी दूर है इससे सर्वर से, है ना, लैन या वैन से कनेक्टेड है, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत दूर भी हो सकता है और शायद थोड़ा सा नजदीक भी हो सकता है, बट मेन बात क्या, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस मशीन के साथ, ठीक है। और जो आपका जो दूसरा जो रिसीवर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके मेल सर्वर के साथ, आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा ये सिनेरियो। थर्ड भी कॉमन है बट बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, फोर्थ सिनेरियो सबसे कॉमन होगा, मतलब मैं बॉब को उठा के बहुत दूर कर दूं, वो भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। तो अब देखो भाई अब क्या होगा, देखो सिंपल बात, एलिस ने अपना मैसेज क्रिएट तो करना है, ईमेल क्रिएट अगर करना है उसको लिखना तो है, विंडो तो चाहिए जहां पे लिखेगा एंड सो ऑन, तो वो कहां इंटरफेस तो दे जहां पे लिखोगे, तो वो यूजर एजेंट प्रोवाइड करेगा, तो मतलब एलिस को एक यूजर एजेंट जरूर चाहिए इससे कि वो ईमेल बनाए। अब अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता मेल सर्वर के साथ तो यही यूजर एजेंट उठा करके आपको, यही यूजर एजेंट इस ईमेल को उठा करके सर्वर पे डाल देता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, आप तो काफी दूर बैठे हो, तो फिर वही बात है, मैसेज ट्रांसफरिंग एजेंट से ये होगा, एमटीए क्लाइंट आपकी तरफ होगा और एमटीए सर्वर मेल सर्वर पे होगा। मैंने आपको बताया था क्लाइंट पुश करता है, तो एमटीए क्लाइंट क्या कर रहा है भाई, आपने ईमेल जो बनाया, जो भी आपने लिखा होगा ईमेल, वो मतलब ऐसे समझ लो यूजर एजेंट क्या करता है, ईमेल को बनाने में हेल्प कर रहा है ना, और यही यूजर एजेंट एमटीए क्लाइंट को ईमेल दे देगा। पहले क्या करता था यही यूजर एजेंट डायरेक्टली, पहले क्या होता था यही यूजर एजेंट डायरेक्टली सर्वर के पास भेज देता था क्योंकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे। अब आप डायरेक्टली कनेक्टेड तो हो नहीं, अब आप डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो तो ये यूजर एजेंट क्या करेगा, एमटीए क्लाइंट को दे देगा। अब ये एमटीए क्लाइंट क्या करेगा, एमटीए सर्वर के साथ कनेक्शन बनाएगा और उसके पास ईमेल भेजेगा, क्योंकि जहां पे भी इंटरनेट वाली बात आएंगी तो एमटीए क्लाइंट और सर्वर चाहिए होगा। तो एमटीए क्लाइंट ने पिक करा ईमेल, मतलब यूजर एजेंट ने ईमेल दिया एमटीए क्लाइंट को और एमटीए क्लाइंट आगे एमटीए सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा। अब जो मेल सर्वर था, जो गूगल वाला सर्वर था, उसके पास एमटीए सर्वर था, अच्छा जी, एमटीए सर्वर ने रिसीव करा और बहुत सारे ईमेल्स आ रहे होंगे, तो वही बात है, जो मेल सर्वर होगा वो ईमेल्स को मैनेज करने के लिए क्यू बना के रखेगा, ठीक है जी, और इस क्यू में से धीरे धीरे करके जो एमटीए क्लाइंट होगा वो मैसेज डिलीट करता जाएगा, मतलब पिक करता रहेगा और इंटरनेट के थ्रू दूसरे मेल सर्वर पे भेजता रहेगा, है ना, और दूसरे वाला मेल सर्वर पे एमटीए सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए, है ना। तो एमटीए क्लाइंट पहले कनेक्शन बनाएगा एमटीए सर्वर के साथ, कोई बात है टीसीपी यूज हो रहा होगा, और इंटरनेट के थ्रू ईमेल भेज देगा। अब यहाँ पे ईमेल आने के बाद फिर वही बात है, एमटीए सर्वर
जो बॉब होगा उसके मेल बॉक्स में राइट कर देगा मैसेज, और जो बॉब होगा वो अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस वो यूजर एजेंट का यूज करेगा, और जो अपना फर्स्ट सिनेरियो था वही चल रहा है यहाँ पे, तो है ना, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो मेल बॉक्स होगा उसमें से मैसेज को रिट्रीव करके रीड करेगा एंड सो ऑन, वो वही बात है, उस सब के लिए इसको यूजर एजेंट चाहिए होगा। तो अब जो थर्ड सिनेरियो हमने देखा है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए भाई, एक पेयर तो यूजर एजेंट का चाहिए और दो पेयर एमटीए के चाहिए, है ना, क्योंकि एक एमटीए क्लाइंट सर्वर यहाँ पे और एक एमटीए क्लाइंट सर्वर यहाँ पे। क्लियर होगा, अगर एमटीए क्लाइंट पुश करता है एमटीए सर्वर के पास डेटा को, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। चलो ये मैं क्यों बार बार पुश पुश वाली बात कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट में और क्लियर हो जाएगा, जब फोर्थ सिनेरियो पे आऊंगा तो और क्लियर होएगा। ठीक है, लाइनें पढ़ू? चलो भाई लाइनें पढ़ते हैं अब हम लोग। चलो भाई थर्ड सिनेरियो क्या कह रहा है, इन द थर्ड सिनेरियो बॉब एज इन द सेकंड सिनेरियो इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हिज सिस्टम, मतलब रिसीवर जो है बॉब वो तो सिस्टम से कनेक्टेड है। एलिस हाउएवर इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सिस्टम, एलिस को हमने सेपरेट कर दिया सिस्टम से। इधर एलिस इज कनेक्टेड टू अ सिस्टम वाया पॉइंट टू पॉइंट वैन सच एज डायल अप मॉडेम, अ डीएसएल और अ केबल मॉडेम, और शी इज कनेक्टेड टू अ लैन इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस वन मेल सर्वर फॉर हैंडलिंग ईमेल ऑल यूजर नीड टू सेंड देयर मैसेज टू दिस मेल सर्वर, फिगर बिलो शोज द सिचुएशन। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग इसमें क्या बोलूं मैं, है ना, जो जो एलिस है वो पॉइंट टू पॉइंट वैन से कनेक्टेड है या डायल अप मॉडेम से कनेक्टेड है, डीएसएल से, कैसे भी तरीके से, मेन बात क्या है लैन या वैन, किसी भी तरीके से वो सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है वो लैन में ही हो, और लैन में मल्टीपल सिस्टम्स होंगे ना, तो मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे लेकिन उनमें से सिर्फ एक कंप्यूटर होगा जिस पे मेल सर्वर रन करता होगा, तो जितने भी ये कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे इसी पे ईमेल करते होंगे भाई। अगर ईमेल इनको किसी को भी करना है, इस आदमी को ईमेल किसी को भी करना है, वो अपने मेल सर्वर पे ही करेगा, और आगे मेल सर्वर की जिम्मेवारी होगी आगे ईमेल को ट्रांसफर करना एंड सो। तो ये यही कहना चाह रहे हैं लास्ट की 2 लाइनों में, आई थिंक पकड़ गए आप लोग, प्लीज नोट डाउन करो भाई, टाइम पास नहीं मैं करूंगा, आगे बढ़ूंगा मैं, ये सब रब हो जाएगा प्लीज। ठीक है, ध्यान से नोट डाउन कर लो। चलो भाई अच्छा जी, तो अब देखो भाई आगे। हाँ जी, तो एलिस स्टिल नीड टू नीड अ यूजर एजेंट, एलिस जो सेंडर है उसको अभी भी एक यूजर एजेंट तो चाहिए होगा टू प्रिपेयर हर मैसेज, मैसेज तो तैयार करना है तो उसके लिए तो यूजर एजेंट चाहिए ही चाहिए। शी देन नीड्स टू सेंड द मैसेज टू लैन और वैन। ठीक है, नाउ दिस कैन बी डन थ्रू अ पेयर ऑफ मैसेज ट्रांसफर एजेंट, जो मैसेज को ट्रांसफर मैसेज ट्रांसफर एजेंट जनरल समझो, ठीक है, जो मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है जी, ओके जी, सो वेन एवर एलिस हैज अ मैसेज टू सेंड शी कॉल्स द यूजर एजेंट विच इन टर्न कॉल एमटीए क्लाइंट। जब भी एलिस को मैसेज सेंड करना होता है तो फिर वो यूजर एजेंट को कॉल करता है ना, और यूजर एजेंट को कॉल करने के बाद ईमेल वगैरह जो लिखना होता है तो लिख लेता है, और यूजर एजेंट आगे क्या करता होगा वो एमटीए क्लाइंट को कॉल करता होगा, और एमटीए क्लाइंट आगे सर्वर पे डेटा ट्रांसफर करता होगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है जी, द एमटीए क्लाइंट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद एमटीए सर्वर ऑन द सिस्टम व्हिच इज रनिंग ऑल द टाइम। ठीक है, सर्वर तो ऑल टाइम रन करेगा ही। द मेल सर्वर कंप्यूटर एट एलिस साइट मैनेजेस ऑल द मैसेजेस रिसीव्ड एंड मेक्स अ मेल क्यू। ठीक है, वही बात है, वो मेल का क्यू बना के रखेगा, ये आई थिंक बताया था ना मैंने आपको, ये जो भी ईमेल्स आ रहे होंगे ये देखो जो भी मिल सारे उसका एक क्यू बना के रखेगा। अच्छा जी, आगे देखो, ना एमटीए क्लाइंट कीप चेकिंग दिस क्यू, है ना, हाँ, मेक्स अ मेल क्यू, द एमटीए क्लाइंट कीप ऑन चेकिंग द क्यू एंड व्हेनेवर देयर इज अ मैसेज टू सेंड इट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद एमटीए सर्वर एट बॉब साइट एंड सेंड द मैसेज, द सर्वर रिसीव्स द मैसेज एंड स्टोर इट इन द बॉब्स मेल बॉक्स में स्टोर कर देगा एट हिज कन्वीनियंस, बॉब यूजेस हिज यूजर एजेंट टू रिट्रीव द मैसेज एंड रीड्स इट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नोट क्या है भाई, When sender is connected to the mail server via LAN or WAN, we need two user agent and two pair of MTAs. दो pair MTA का चाहिए होगा, client server, ठीक है? I think समझ में सब, तो एक MTA client कहाँ पे है भाई? Alice की site पे, ठीक है? जो भी Alice का computer है, उस पे MTA client. अच्छा जी, और एक MTA server कहाँ है? जो भी Gmail वाला server था, मतलब जो Alice से Alice का जो मेल सर्वर है वहां पे है एक एमटीए सर्वर, एक एमटीए क्लाइंट वहीं पे ही स्टोर्ड है, कहां मतलब वहीं पे रन हो रहा है एमटीए सर्वर, कहां पे रन हो रहा है, जीमेल वाला, है ना, जो एलिस का ईमेल जो अकाउंट रख रहा था, और एक एमटीए सर्वर कहां चल रहा होगा, जहां पे बॉब का मेल बॉक्स होगा। ठीक है, ये देखो याद करो, है ना, एक एमटीए क्लाइंट एलिस के पास है, एलिस की साइट पे है, और एक एमटीए सर्वर मेल सर्वर पे है, और एक एमटीए क्लाइंट भी इसी मेल सर्वर पे है, और एक एमटीए सर्वर आई थिंक समझ गए होगे जहाँ पे बॉब कनेक्टेड है उसके पास, आई थिंक समझ गए होगे, सिंपल बात है एकदम।
छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको कल को कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ढंग से पढ़ लो। हो गया जी, चलो ठीक है जी। अब हम दिखाएंगे आपको फोर्थ सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो थिंक आपको मैंने पहले बता दिया, उसमें क्या होगा भाई, दोनों को सेपरेट आउट कर दो। जनरली होता है, आप जीमेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, ऐसे दूसरा आदमी जो रिसीवर है वो भी याहू के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो सबको फार अपार्ट कर दो। तो अब देखो भाई चौथा सिनेरियो, ये देखो भाई ये या दिस इज योर फोर्थ सिनेरियो। तो फोर्थ सिनेरियो में देखो भाई क्या है, जो मेल सर्वर है ना, उससे एलिस दूर है, और जो दूसरा मेल सर्वर है उससे बॉब दूर बैठा है। तो अब देखो क्या होगा। देखो भाई एलिस को मैसेज राइट करना है, राइट करने के लिए यूजर एजेंट तो चाहिए ही चाहिए। मैसेज उसने राइट कर लिया, और यूजर एजेंट एमटीए क्लाइंट को मैसेज फॉरवर्ड करेगा, एमटीए क्लाइंट आ गया एमटीए सर्वर के पास, मैसेज भेज देगा कनेक्शन बनाने के बाद। और फिर वही बात है, बहुत सारे मैसेज आ रहे होंगे, क्यू बना के चलेंगे, मेल सर्वर जो होगा वो एक क्यू बना के रखेगा है ना, और धीरे धीरे क्यू में से एमटीए क्लाइंट मैसेजेस को निकालता रहेगा और इंटरनेट के थ्रू एमटीए सर्वर के पास भेजता रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात आएगी, अब ध्यान से सुनना। एमटीए क्लाइंट क्या था जी, पुश कर रहा था है ना। तो अब एक बार जरा यहाँ पे ये समझो, अब क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ चुका है, ठीक है, मतलब बॉब के ईमेल जो मेल बॉक्स था वहां पे मैसेज आ चुका है। अब इसको बॉब की साइट पे भेजना है, मतलब जहां पे बॉब बैठा काम कर रहा है, जहां पे जो भी इसका कंप्यूटर है उस पे ईमेल फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करना है तो मतलब पुश करना है, पुश करना है तो मतलब यहाँ पे हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, एम टी ए क्लाइंट। अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दो इसको, एम ए क्या है इसको छोड़ दो, एम टी ए क्लाइंट चाहिए होगा, और बॉब की साइट पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा जी, एम टी ए सर्वर। एमटीए यहाँ पे एमटीए क्लाइंट क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट का काम था पुश करना ईमेल को सर्वर की तरफ। अब यहाँ पे आया है, ईमेल आया है, तो इसको आपको भेजना है ना आगे बॉब की साइट पे, तो पुश करने का काम कौन करेगा, एमटीए क्लाइंट करेगा। और यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एमटीए सर्वर। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर बॉब की साइट पे आपने एमटीए सर्वर लगा दिया तो सर्वर तो भाई परमानेंटली ऑन रहता है, तो बॉब को अपना कंप्यूटर सारी जिंदगी 24/7 ऑन रखना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। वो तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सारा काम करना चाहता है, तो ये काम हम नहीं करेंगे। तो एमटीए सर्वर यहाँ डालें, एमटीए क्लाइंट यहाँ डालें, नहीं चलने वाला। अगर एमटीए सर्वर यहाँ रखा और एमटीए क्लाइंट यहाँ डाल दे तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि एमटीए क्लाइंट पुश करता है भाई, पुल नहीं करता। ठीक है ना, एमटीए क्लाइंट पुश करता है, पुल नहीं करता। तो इसीलिए फिर क्या सोचा गया कि बात नहीं बन रही, तो फिर इन्होंने एक और नया एक और एजेंट लेके आए, मैसेज एक्सेस एजेंट, MAA। ठीक है, और जो MAA सर्वर होता है, सॉरी जो MAA क्लाइंट होता है वो पुल प्रोग्राम है। MTA क्या है भाई, MTA क्लाइंट वो पुश करता था, तो MAA मैसेज एक्सेस एजेंट क्लाइंट ये पुल करता होगा, खींचता होगा अपनी तरफ। ठीक है, तो इसलिए फिर यहाँ पे हम एम ए क्लाइंट, क्लाइंट तो आपको पता है जब मन करेगा आप ऑन रखो, जब मन करेगा ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम ए ए सर्वर हम यहाँ रखेंगे और एम ए ए क्लाइंट हम लोग यहाँ रखेंगे, क्योंकि क्लाइंट एम ए ए क्लाइंट जो होगा वो पुल कर लेगा ईमेल को। ठीक है, पुल कर लेगा सर्वर से। ठीक है, एम टी ए क्लाइंट पुश करता था सर्वर पे और एम ए ए क्लाइंट पुल करेगा सर्वर से, तो इसलिए हमारे को यहाँ पे एम ए ए क्लाइंट चाहिए। आगे मैं आपको टेक्निकल नाम बताऊंगा, अभी तो रफली बोल रहा हूँ, मैसेज ट्रांसफर एजेंट, मैसेज एक्सेस एजेंट, लिटरल मतलब निकालो ना, मैसेज एक्सेस एजेंट जो मैसेज को एक्सेस कर सके, एमटीए मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो मैसेज को ट्रांसफर कर सके। आई थिंक समझ पा रहे होगे, बिल्कुल रफली मैं नाम दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं आपके सामने इन सब के राज खोलूंगा, ये सब क्या होता है एंड सॉन्ग। क्लियर होगा सब लोगों को? ठीक है जी, तो एमए क्लाइंट पता लग गया, तो एमए क्लाइंट क्या करेगा, पुल कर लेगा मैसेज एमए सर्वर से। ठीक है जी, ओके जी। तो अब मैसेज आ गया, अब ये यूजर एजेंट को दे देगा और यूजर एजेंट की हेल्प से बॉब जो होगा वो मैसेज को रीड कर लेगा एंड सॉन्ग। तो ठीक है जी, मेन बात क्या है भाई, दो यूजर एजेंट चाहिए, दो पेयर एमटीए के चाहिए और एक पेयर एमएए का चाहिए, मैसेज एक्सेस एजेंट का चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ चाहिए होगा जब सब कुछ दूर दूर है। ठीक है, दोनों सर्वर भी दूर दूर है, मेल सर्वर भी दूर दूर बैठे हैं, और जो उनके जो जो यूज कर रहे थे ईमेल, जो यूज कर रहे थे सर्वर पे, वो भी अलग अलग बैठे हैं। मतलब एलाइस अलग बैठा है, बॉब अलग बैठा है, एलाइस से जो मेल सर्वर है वो दूर है, जो जनरली होता है, आप जीमेल से जीमेल के सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं हो, ऐसे ही बॉब जो याहू का सर्वर होगा उससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, दूर दूर बैठे होंगे। तो ये सबसे मोस्ट कॉमन सिनेरियो है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लो इस सब चीजों को फटाफट कर लिया, धीरे धीरे मैं राज खोलूंगा सारे। ठीक है, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। ये देखो भाई एमटीए क्लाइंट पुश और जो एमएए क्लाइंट है वो पुल करता है। ठीक है, इसलिए हमारे को एमएए क्लाइंट चाहिए था जो कि वहां से पुल कर सके मैसेज को। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं जी फोर्थ सिनेरियो। ठीक है जी, ओके जी। तो लो जी, फोर्थ सिनेरियो क्या है, इन द फोर्थ एंड द मोस्ट कॉमन सिनेरियो, मैंने आपको बताया अभी सबसे कॉमन यही होता है, बॉब इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हिज मेल सर्वर बाय अ वैन और अ लैन। ठीक है, पहले तो
एलिस को हमने दूर फेंका था, अब हम बॉब को भी दूर ही फेंक रहे हैं. ओके, आफ्टर मैसेज हैज बीन अराइव्ड एट बॉब मेल सर्वर, बॉब नीड्स टू रिट्रीव इट. ठीक है, तो बॉब के मेल सर्वर में मैसेज आ चुका है, अब हमारे को बस ये दिखाना है वो रिट्रीव कैसे करेगा. थर्ड सिनेरियो फोर्थ सिनेरियो में सिर्फ यही डिफरेंस है, बॉब दूर हो गया है, पहले बॉब एकदम पास था. तो जब बॉब पास था तो फिर यूजर एजेंट की हेल्प से रिट्रीव हो जाता था, सारा काम ठीक ठाक था. लेकिन अब बॉब क्योंकि दूर हो चुका है, तो अब मेरे को फोर्थ सिनेरियो में सिर्फ यही दिखाना है. थर्ड और फोर्थ में सब कुछ सिमिलर है, सिर्फ फोर्थ में ये हुआ कि बॉब को दूर फेंक दिया. तो बॉब को दूर फेंक दिया तो फिर बॉब अब रिट्रीव कैसे करेगा मैसेजेस को, वो मेरे को दिखाना है. बाकी सब थर्ड वाला एकदम सेम है ना. तो इसलिए बस हमारी कंसंट्रेशन रहेगी कि बॉब रिट्रीव कैसे कर रहा है उसको समझाना. ठीक है जी, तो वी कांट यूज एम्प्टी क्लाइंट एट बॉब कंप्यूटर. ओके, यूज ऑफ, ये ऐसे मैंने लिख दिया, गलत है, इंग्लिश में अपने आप देख लेना. वी कांट यूज अ एम्प्टी क्लाइंट, यहाँ ऐसे होना चाहिए था, वी कांट यूज ए. ठीक है, वी कांट यूज ए एम्प्टी क्लाइंट एट बॉब कंप्यूटर, एम्प्टी सर्वर एट मेल सर्वर कंप्यूटर. एम्प्टी क्लाइंट आपको लगता होगा कि बॉब के कंप्यूटर पर डाल दो, पर एम्प्टी सर्वर मेल सर्वर पर डाल दो, ऐसा हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि जो मेल सर्वर एम्प्टी क्लाइंट तो पुश करता है ना भाई, पुल थोड़ी करता है. पर एम्प्टी सर्वर अगर मैंने क्लाइंट साइड पे मतलब बॉब वाले साइड पे लगा दिया तो उसको सारा टाइम ऑन रखना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़ी मुसीबत है. तो ये इन्होंने लिखा है, वी कांट यूज एम्प्टी क्लाइंट एट बॉब कंप्यूटर एंड एम्प्टी सर्वर, एंड लिख लो आप बीच में एंड एम्प्टी सर्वर एट मेल सर्वर कंप्यूटर. दिस इज बिकॉज एम्प्टी क्लाइंट इज पुश प्रोग्राम व्हिच पुशेस द मैसेज टू एम्प्टी सर्वर, इट कांट पुल मैसेजेस फ्रॉम द एम्प्टी सर्वर, वहां से ये पुल नहीं कर सकता. अब थोड़ा नजर नहीं आता तो भी मैं थोड़ा सा झुक जाता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लो. क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो ये पुल पुल नहीं कर सकता, बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. पुश कर सकता है, पुल नहीं कर सकता. ओके जी, अदर ऑप्शन क्या दे रहे हैं? अदर ऑप्शन इज यूज एम्प्टी सर्वर एट बॉब कंप्यूटर विच इज इम्पॉसिबल. अगर बॉब पे आपने एम्प्टी सर्वर डाल दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी. एज नाउ बॉब्स कंप्यूटर एज नाउ बॉब्स कांट शट डाउन हर कंप्यूटर बिकॉज शी डजंट नो व्हेन मैसेज विल अराइव. ठीक है, जब उसको पता नहीं मैसेज कब आएगा तो अपना कंप्यूटर शट डाउन नहीं कर पाएगी कभी भी, है ना. वो मैं आपको बता चुका हूँ. हेंस वी नीड अनदर सेट ऑफ क्लाइंट सर्वर एजेंट विच कॉल मैसेज एक्सेस एजेंट. ठीक है, विच वी कॉल मैसेज एक्सेस एजेंट MAA. Unlike MTA client, MAA client is pull program and it can pull messages from MAA server. ठीक है, वहां से ये pull कर सकता है. See the below figure. तो note down कर दो सबको, बता रहा हूँ. ठीक है, हाँ जी, तो figure मैंने आपको वैसे दिखाई दी थी. MTA client push करता है MTA server पे और MAA client pull कर लेता है MAA server से messages को. ठीक है, तो हमारे को ये MAA client चाहिए होगा. I think clear हो गया होगा सबको. ठीक है जी, सिनेरियो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ओके जी, तो आगे देख लो भाई. सो बॉब यूजेस MAA क्लाइंट टू रिट्रीव हिज मैसेजेस, द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू MAA सर्वर व्हिच इज रनिंग ऑल द टाइम एंड रिक्वेस्ट द ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस. फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज शो द सिचुएशन. आई थिंक ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ, समझ में आ गया सबको, कुछ नहीं है मैं. ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन कर लो और अब ये मैं हटा रहा हूँ. ठीक है जी, इसको भी आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो. तो चार सिनेरियो हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब मैं धीरे धीरे राज खोलूंगा, एमटीए क्या है, एमएए क्या है, यूजर एजेंट क्या है एंड सो ऑन. तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. इतना बहुत है, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको ईमेल के क्लियर कर दिए हैं. ठीक है जी, चलो ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय. हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो. और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो. मैं आपसे कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो. और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई. ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं. और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ. तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ. मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है. और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ. ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ. अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय.